264 केवल 6 पायदान दूर है जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने के लिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 214 पे है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, 264 काफी आगे निकल गए जो बाइडेन। और पूरे के पूरे विश्व की जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ नेवाडा पे है, नेवाडा के पास है वो 6 बहुमूल्य इलेक्ट्रोल वोट जिसको लेकर जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। ट्विटर पे एक वॉर चल रहा है, ट्विटर पे अमेरिका के राष्ट्रपति प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं बैलेट के ऊपर, मेल इन बैलेट के ऊपर। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके बेटे, उनकी पूरी फैमिली प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि क्या ये रिजल्ट सही है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन ने बहुत बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे अमेरिका की जीत है। आप देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं जो बाइडेन की, ये नहीं कह रहे कि ये मेरी जीत है। कल जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका की राष्ट्रपति के वो ये चुनाव जीत चुके हैं। और देखिए 14 घंटों में जो मामला है, टीवी 9 भारतवर्ष हर बार आपको ये बात दोहरा रहा कि ये मामला जो है पलट सकता है, ये मामला है जो चेंज हो सकता है, और ये मामला अब चेंज हो गया है। अमेरिकी चुनाव की दौर की आखिरी जो काउंटिंग है वो जारी है इस वक्त। नेवाडा में 86% वोट काउंट हो चुके हैं, 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं जो बाइडेन। जो अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राष्ट्रपति ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन। और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उनके टिकट पे वाइस प्रेसिडेंट है इस बार कमला हैरिस, जो एक इंडियन अमेरिकन भी है। इसी से जुड़ी हुई सारी खबरें, अगर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति आज बन जाते हैं तो हम आपको दिखाएंगे वॉशिंगटन से, हम लाइव आपको दिखाएंगे वॉशिंगटन से कि क्या होगा, क्या बात होगी जो बाइडेन की, क्या बोलेंगे वो, इसके क्या रिएक्शन होंगे, इसके क्या मतलब होंगे, कैसे इसको देखा जाए इंडिया में। इंडिया में काफी लोगों को शायद ये लगता है, कल हम बहुत सारे गेस्ट से बात कर रहे थे कि जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को बिल्कुल चेंज नहीं करेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।